कर दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। इस चैनल पर मैं नए नए छोटे छोटे वीडियो पोस्ट करता रहता हूं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। रिवीजन के उद्देश्य से ही मैं वीडियो भेजता हूं। आज मैं अलग टाइप का वीडियो आपको बताने वाला हूं। एक बहुत पुराना वीडियो है मेरे पास, मेरी क्लास का, जो मैं डीजे कंट्रोल सर्किट पढ़ा था उसका वीडियो मेरे पास था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। उसमें आवाज़ थोड़ी कमरे में गूंज रही है लेकिन फिर भी समझ में आता है। तो आइए आज आप उस वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए। और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां मैंने टॉपिक वाइज वीडियो जमा के रखे हैं। आप एक एक वीडियो देखकर अपना ज्ञान बढ़ाते रहिएगा। आइए देखते हैं वीडियो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो? तो आज क्या पढ़ना चाहोगे आप लोग? डीजे कंट्रोल सर्किट। अच्छा, तो कन्वेंशनल लोगों का डीजे कंट्रोल सर्किट नजर आप करते हैं ना। ये जो डीजे कंट्रोल सर्किट है ये पूरे लोगों का एक आर्ट है, यानी इसको जानबूझ के बनाया गया है और जानबूझ के इसमें इंटरलॉकिंग व्यवस्था की गई है। ठीक है, कि लोगों में कोई भी खराबी हो तो इस सर्किट के द्वारा डीजे को ट्रिप कराकर लोगों की सुरक्षा की जा सके। सारे इंटरलॉक कोई आगे बोले कि ये लगा है तो वो जानबूझ के लगाया गया है ताकि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो। ठीक है, तो ये कैसे सर्किट काम करता है, इसको जिसको ये सर्किट समझ जाए आ जाए उसको ऐसा लगेगा कि वो आदि ट्रबल शूटिंग को कर सकता है, इतना बढ़िया ये सर्किट है। तो इसको चालू करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बैटरी को ऑन करते हैं। लोगों में बैटरी को ऑन करते ही इसमें देखेंगे अपन एक काम होता है। CCBA बैटरी का फ्यूज है 35 एम्पियर का, CCBT 16 एम्पियर का और किसी किसी लोगों में 10 एम्पियर का भी होता है। ठीक है, यहां से सप्लाई जाएगी बैटरी। ऊपर वाला तार पॉजिटिव तार है, नीचे वाला नेगेटिव तार है। पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी का 110 वोल्ट का सप्लाई है। तो यहां से पॉजिटिव सप्लाई जा रही है, यहां पर ये C118 का NC इंटरलॉक लगा के रखा है। तो अभी C118 ओपन कंडीशन में NC इंटरलॉक लगा हुआ है। ठीक है, तो आगे सप्लाई जाएगी, इधर यहां सप्लाई नहीं जाएगी क्योंकि खुला है, इधर नहीं जाएगी कॉन्टेक्ट खुला है, ये सप्लाई इधर जाएगी। C105, C106, C107 के तीनों कॉन्टेक्टर के NC इंटरलॉक, ये कॉन्टेक्टर अभी ओपन अवस्था में है तो NC इंटरलॉक लगे हुए रहेंगे। सप्लाई आगे जाएगी, Q44 का NC इंटरलॉक, Q44 ये भी अभी तीन रहेगा इसलिए NC इंटरलॉक लगा हुआ रहेगा। आगे सप्लाई जाएगी इधर, Q46 का NC इंटरलॉक, Q46 की भी डी इनर साइड है, NC इंटरलॉक लगा हुआ है। आगे सप्लाई इधर नहीं जाएगी, ओपन है, इधर जाएगी GR0 से 5 का कैम कॉन्टेक्ट। GR अभी कहां पे है? जीरो पे, लोगों को डी इनर साइड है जीरो पे है, तो यहां से कॉन्टेक्ट लगा है, 0-5 तक लगा रहता है, लगा हुआ है। और Q118 की कॉइल को सप्लाई जा रही है, Q118 इनर्जाइज हो जाएगी। कब इनर्जाइज हो जाएगी? बैटरी को ऑन करते ही Q118 इनर्जाइज होगी, इसका कोई भी इंडिकेशन ड्राइवर डेस्क पर नहीं मिलता। ठीक है, हम चाहे तो उसको विजुअली जाके देख सकते हैं लेकिन इंडिकेशन अलग से कोई नहीं मिलेगा। अब अपन क्या करेंगे, तो बेबी कंप्रेसर को चालू करके प्रेशर बना लेंगे 8 kg, उसके बाद में पेंटो रेज करेंगे जिसका अलग से सर्किट है, उसके बाद में BLDJ को क्लोज करेंगे। यहां से सप्लाई आ रही थी इधर, CCDJ कितने एम्पियर का फ्यूज है? ठीक है, DP बंद कीजिए, ये नॉर्मली क्लोज स्प्रिंग लोडेड स्विच है, नॉर्मली क्लोज यानी कि सामान्य अवस्था में ये क्लोज अवस्था में रहता है जैसा कि इसकी बनावट है। तो ये लगा हुआ है अभी BLDJ, एक लीवर स्विच है, बटन लीवर स्विच, BL का मतलब बटन लीवर स्विच, तो ये अभी ओपन अवस्था में है तो ये ऐसा दिखा रहा है। अब अपन BLDJ को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो BLDJ को क्लोज करने पर कोई भी विशेष काम नहीं होता है, जैसे क्लोज करेंगे सप्लाई यहां बन जाएगी, बस इतना ही काम हुआ। आगे चली सप्लाई ZPT 1 या 2 पे, कहीं भी रखोगे इंटरलॉक लग जाएगा। तो अपन ने इससे जस्ट पहले पेंटो उठाया था, ZPT को आवश्यकता अनुसार 1 या 2 पे रखा तो ये कॉन्टेक्ट यहां पे लग चुका है। तो सप्लाई आगे चलेगी, इधर गई सप्लाई, यहां गई BLRDJ, नॉर्मली ओपन स्क्रीन स्विच, सामान्य व्यवस्था जब तक इसको नहीं छेड़ो ये ओपन रहेगा, अभी अपन ने छेड़ा नहीं है तो ओपन है। जैसे इसको प्रेस करेंगे तो यहां से प्रेस करेंगे इंटरलॉक लग जाएगा, यहां से सप्लाई आएगी, GR ऑलरेडी 0 पर है ही, तो 0 का कैम कॉन्टेक्ट लगा हुआ है, Q45 इनर्जाइज हो जाएगी।
जैसे क्यू 45 इनर साइज होगी, क्यू 45 का एनोड इंटरलॉक यहाँ पे लग जाएगा और ये यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे पहले बात कर लेते, यहाँ से सप्लाई आ रही है क्यू 45 का एनोड इंटरलॉक क्यू 44 की ब्रांच पे लगा और सप्लाई आगे गई। यहाँ पे क्यू 100 का एनोड इंटरलॉक, जब क्यू 100 इनर साइज हुई तब ये इंटरलॉक यहाँ पे क्लोज हो चुका है, ठीक है। इसका इंडिकेशन हमको नहीं मिलता है, ये इंटरलॉक क्लोज हो गया, जी आर जीरो इन फुल नॉच है, इसका जीरो जीरो पे है, ये लग गया है और क्यू 44 इनर्जाइज हो गई, ठीक है। तो क्यू 40 एनो इंटरलॉक है, क्यू 45 के एक काम किया, एक तो क्यू 44 को इनर्जाइज किया और दूसरा क्यू 45 एनो इंटरलॉक यहां लगा। जैसे ही क्यू 44 इनर्जाइज हुई, यहां सप्लाई आ रही थी इधर से एक सप्लाई गई इधर, क्यू 44 का एनो इंटरलॉक लगा एमपीडीसी की ब्रांच पर और यहां से सप्लाई गई, 45 का एनो इंटरलॉक ऑलरेडी लग चुका है। क्यू सी बी आर अभी डी इनर्जाइज, आरनो का काम चेक करने वाली डिले, तो आरनो तो चला ही नहीं इसलिए डी इनर्जाइज है, तो एनसी इंटरलॉक लगा हुआ है। इसके दो इंटरलॉक दिए हैं ताकि क्या है कि कोई एक खराब हो जाए दूसरा इसके होगी, जो तो इंपोर्टेंट चीज होती है उसके दो दो इंटरलॉक देते हैं, तभी भी ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे सप्लाई चली, सी 118 क्लोज हो गया, सी 118 ने क्लोज करके आरनो को स्टार्टिंग फेस दिया, क्योंकि डीजे क्लोज करने के साथ साथ हमको सीवन वन को क्लोज करके आर्मो को स्टार्टिंग फेस देना है, नहीं तो आर्मो बिना स्टार्टिंग फेस के स्टार्ट हो जाएगा तो जल जाएगा, इसलिए ऐसी व्यवस्था जानबूझकर की गई है, ठीक है। सीवन वन क्लोज हुआ और यहां से सप्लाई यहां पे रुकी हुई थी क्यू एल ए आर्मो और ऑक्सिलरी की ओवरलोड डिले, तो अभी डी इनर्जाइज एनसी इंटरलॉक लगा हुआ है, क्यू ओ ए ऑक्सिलरी की अर्थ फोन डिले है, डी इनर्जाइज एनसी इंटरलॉक लगा हुआ है, क्यू एल एम ट्रांसफार्मर की ओवरकन डिले है, डी एनर्जाइज एनसी इंटरलॉक लगा हुआ है, क्यूपी वन क्यूपी टू ट्रैक्शन पावर सर्किट की अर्थ फॉल्ट डिले, डी एनर्जाइज तो एनसी इंटरलॉक लगा हुआ है, क्यू आर एस 7 क्यू आर एस 2 ट्रैक्शन पावर सर्किट की ओवर करंट डिले है, डी एनर्जाइज एनसी इंटरलॉक लगा हुआ है, क्यूबी डी ये प्रेशर अपना 5.5 kg से जब ऊपर होगा तो ये इंटरलॉक यहाँ पे क्लोज रहेगा, ये कॉन्टेक्ट है, प्रेशर कॉन्टेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो 5.5 kg अपने तो 8 kg बनाया प्रेशर, तो ये क्लोज है यहाँ पे, इधर की सप्लाई और सी 118 हमने क्लोज कर दिया पहले, तो एनो इंटरलॉक लग गया, ई एफ डीजे एनर्जाइज हुई, ई एफ डीजे इज द क्लोजिंग डिवाइस ऑफ दी डीजे, है ना, और एमपीडीजे मेंटेनिंग डिवाइस है। जब यहां सप्लाई गई तो इधर भी गई, ये भी एनर्जाइज हुई, यानी कि दोनों एनर्जाइज हुई, ठीक है। तो इसने डीजे को क्लोज किया और इसने क्लोज होते ही मेंटेन कर दिया, इस प्रकार डीजे क्लोज होता है। अब बात करते हैं कि डीजे ओपन कैसे होता है, ओपन करने के लिए सीधा सट तरीका, हमको जब हाथ से ओपन करना हो तो बीएल डीजे स्विच को ओपन कर देंगे तो पूरी सप्लाई एमपी डीजे की सारी सप्लाई कट हो जाएगी और सी 118 की सबकी सप्लाई यहां से कट हो जाएगी, तो जो मेंटेनिंग डिवाइस है कोई डीजे एनर्जाइज हो गई तो डीजे ओपन हो जाएगा, सीधी सी बात है। और कैसे ओपन कर सकते हैं, जैसे आप बीएल डीजे तो वर्किंग कैब में काम में रहता है, नॉन वर्किंग कैब में पीछे गए और आपको लगे कि वो लोगों के अंदर आग लग गई है ना, तो पीछे की कैब से भी आप डीजे को ओपन कर सकते हैं, बीपी 2 डीजे को आप दबा देंगे तो इससे भी नहीं, ये तो क्लोजिंग है, बीपी 1 डीजे आप बीपी 1 डीजे को दबा देंगे तो ये क्लोजिंग नॉर्मली इंटरलॉक लगा हुआ है तो इसको दबाएंगे तो छूट जाएगा, सप्लाई कट हो जाएगी और डीजे ओपन हो जाएगा। ये पीछे वाली कैब है अधिकतर काम आता है, आगे वाली कैब से भी वर्किंग कर रहे हैं कैब पूछे तो वहां भी काम आएगा, लेकिन अधिकतर जब पीछे गए और आग लगी थी ना तो कैसे करोगे, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। ओपन करने के लिए एक तरीका और भी है, अगर आपको ऐसा लगे कि आप बीएल डीजे को ओपन किया और डीजे ओपन नहीं हुआ, जैसे बीएल डीजे को ओपन करना है डीजे को देखना है, तो न्यूट्रल सेक्शन में आपको बताया होगा पढ़ाया होगा अगर आपका डीजे ओपन नहीं होता है तो पेंटो को लोड कर देंगे, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, जेडपीटी को जीरो पर रखेंगे, ये इंटरलॉक खुल जाएगा, तो यहां से सप्लाई जा रही थी पूरी एमपीडीजे को खुल जाएगा, इंटरलॉक खुलने के कारण एमपीडीजे डी इनर्जाइज होगा और डीजे ओपन हो जाएगा, तो जेडपीटी को हम जब जीरो पे रखते हैं तो पेंटो बाद में लोड होता है, पहले डीजे ओपन होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कभी आपके मन में ऐसा नहीं कि जेडपीटी पेंटो का है तो पेंटो लोड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पहले डीजे ओपन होता है बाद में पेंटो लोड होता है, इस व्यवस्था के कारण। अगर ऐसी व्यवस्था न हो, पहले पेंटो लोड हो जाए तो क्या नुकसान होगा, यानी कि जो पेंटो और ओजी है उसके बीच में हैवी आर्किंग होगा, जो काम डीजे को करना चाहिए वो काम पेंटो करेगा, तो फिर हैवी आर्किंग होगा, प्लेसिंग होगा, इतना सेंसिटिव नहीं है थ्रोटल आपके, ठीक है। तो ये डीजे को ओपन करने के साथ है,
और भी डीजे अपने आप ओपन करने की भी व्यवस्था है। सारी सेफ्टी रिले हमने एमपी डीजे पे लगा दिए। एक रिले में से कोई भी खराबी पैदा हुई संबंधित सर्किट में रिले इनर्जाइज होकर एनसी इंटरलॉक खोलेगा और डीजे को ठीक करा देगा। डीजे को हाथ से भी अपन ओपन कर सकते हैं और अपने आप ही डीजे ठीक हो सकता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि सारे इतने सारे इंटरलॉक लगे हैं तो अपन ने एक सामान्य रूप से डीजे कैसे क्लोज होता है ये देखा, लेकिन ये देखना है इतने सारे इंटरलॉक यहाँ लगाए क्यों। ठीक है, एक एक इंटरलॉक की बात करते हैं। सबसे पहले जो Q100 की बात की थी, C118 का एनसी इंटरलॉक Q118 की ब्रांच पे क्यों लगाया, आप बताओ। देखिए मीना जी, अगर किसी भी कारण से C118 का इंटरलॉक चुप कर रहेगा तो उस कंडीशन में डीजे ट्रिपल है और आर्नो पे फ्यूज हो जाएगा। इस कारण से उससे क्या नुकसान है चिपका रहने से आर्नो पे C11 का इंटरलॉक नहीं, C11 कॉन्टेक्टर है ना, कॉन्टेक्टर हो सकता है। हमने तो व्यवस्था की है ओपन करने की, देखो ये व्यवस्था की है इतनी सारी, लेकिन फिर भी वो चिपका रहेगा। हम चाहते हैं आर्नो नहीं जले, इसके लिए हमने ये व्यवस्था और कर दी। अगर वो चिपका रह गया एनसी इंटरलॉक ओपन हो जाएगा और 5.63 सेकंड में बहुत अच्छा बैठो शाबाश। आगे चलेंगे 105, 106, 107 के एनसी इंटरलॉक क्यू गवर्नमेंट की ब्रांच पर क्यों दिए हैं, कौन बताएगा इसे। सी 105, 106, 107 के एनसी इंटरलॉक क्यों लगाए गए, तुम बताओ। देखिए ये किसके कॉन्ट्रेक्टर है, कोई बात नहीं, कॉन्ट्रेक्टर किसके है 105, 106, 107। एमबीएमटी को क्लोज करोगे तो ये इंटरलॉक क्या होंगे, कॉन्ट्रेक्टर क्लोज होंगे, इंटरलॉक क्या होंगे ओपन हो जाएंगे। अब ये ओपन तो हो गए, लेकिन अगर ऑप्शन भी नहीं चली तो ये इंटरलॉक क्लोज नहीं होंगे। ठीक है ना, ये रिले के इंटरलॉक, ये सब रिले ऑक्सिली के ऊपर लगी है, फ्लो वाली है, फ्लो वाली रिले, जब फ्लो चलेगा तो हवा के फ्लो से ये रिले इंटरसाइज होती है, तो जब ये ऑक्सिली चलेगी तो ये होगा तो इधर से भी बैठा बदती थी तो ऊपर होगा तीनों थी। लेकिन अगर उस समय कॉन्टेक्ट तो क्लोज हुए लेकिन ऑक्सिली नहीं चली, हम चाहते हैं कि ऑक्सिली नहीं चले, हम तो चाहते हैं चले लेकिन नहीं चली तो आप तो देखने जाने वाले नहीं हो, इसलिए लोगों में ऐसी व्यवस्था की है कॉन्टेक्ट तो क्लोज हो जाए लेकिन ऑक्सिली नहीं चले अपने आप डीजे फ्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये देखो, सपोज करो C105 क्लोज नहीं हुआ, C101 क्लोज हुआ, ये एनसी ट्रॉप खुल गया और ये ऑक्सिली नहीं चली तो Q1 पिकअप नहीं होगी, पिकअप नहीं होगी तो एड इंटरलॉक नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा तो क्या होगा, इधर से सप्लाई कट हो गई, ये खुल गया इसलिए, तो ऐसा साइन हमने कब दिया है, BLDMT क्लोज करने पर डीजे फ्री होता है, वो सारा इसके ऊपर दिया है। ठीक है, तो ये इंटरलॉक कोई पूछेगा आपसे ये क्यों लगाए हैं, कि साहब BLDMT क्लोज करने पर कॉन्ट्रेक्टर तो क्लोज हो जाए लेकिन तीनों ऑक्सिलिया में से कोई भी ऑक्सिली एक या तीनों ही नहीं चले तो डीजे फ्री प्राप्त करने के लिए ये एनसी इंटरलॉक यहाँ लगाए हैं। ठीक है, ये किसको समझ में आ गया, ये वापस पूछूंगा मैं एक एक करके। गाड़ी वाले वैसे आपको आया कि कभी ये अपन को लगे कि भाई 105 क्लोज है और वहां जाके देखा MBMT 1 किस तरह से चल रही है ना और डीजे ट्रिप हो रहा, अब क्या करूं, उसके लिए ऐसी व्यवस्था दी है कि स्विच के बाईपास इंटरलॉक किए तो भाई ऑक्सिली चल रही है, खराबी तो है, इसका मतलब तो खराबी कहा है, इस रिले में खराबी है, या तो ये पिकअप नहीं हो रही है या इसका इंटरलॉक नहीं लग रहा है, तो क्या करें, स्विच को मरोड़ दो, 0-3 कर दो, यहां से सप्लाई चालू हो जाएगी। ठीक है, तो सारी व्यवस्था लोगों में करके रखी। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, Q44 के एनसी इंटरलॉक के द्वारा इन चारों रिलों को ब्रिज किया गया। अब यहाँ पे 44 का डायरेक्ट इससे मतलब नहीं है, लेकिन किसी किसी साधन से इनको ब्रिज करना था, यानी कि पहले हम इधर से डीजे क्लोज कर ले, बाद में ऐसा कोई साधन जो बाद में डी इनर्जाइज हो जाए। ठीक है ना, Q44 तो डी इनर्जाइज हो जाती है, एनसी इंटरलॉक खुल जाएगा, अब यहाँ से सप्लाई कट हो गई, अब यहाँ से किसी ऑक्सिली ने अगर काम नहीं किया तो इनका एनो इंटरलॉक खुला रहेगा और डीजे फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये डीजे क्वार्टर साइन मिलेगा एलएस।